ये लोग जो ख्वाब अपने बेटों के लिए देखते हैं, वही ख्वाब मैं अपनी बेटी के लिए देखता हूं। बेटी के लिए बस ख्वाब देखे हैं बेटा? सभी लोग ख्वाब नहीं देखा करते, ये तो किसी किसी का नसीब होते हैं। आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज President of Hum Television Networks, Sultana Siddiqui. देखिए, मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि आपको अगर घर की सपोर्ट होती है ना, पेरेंट्स की, भाइयों की, ये सोसाइटी तो मर्दों की है ना, चाहे आप कितने भी। तो एक तो अच्छी चीज़ ये थी कि हमारे पास कि वो जो घर में हमारा जो माहौल था, वो लड़कियों के लिए भी इतना ही पढ़ना इम्पोर्टेंट था जितना लड़कों के लिए। तो मेरी माँ तो वैसे भी, मेरी बहन डॉक्टर थी, पुफी डॉक्टर थी, तो मेरी माँ कहती रहती थी कि तुम भी डॉक्टर बनोगी। अब भाई क्यों बनूँगी, मुझे नहीं अच्छा लगता है, मैं नहीं करूँगी, मैं क्या करूँगी। मैंने कहा कि भाई ने CSS किया, मैं भी वही करूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो देन आई गॉट मैरिड आफ्टर 7 years। जो हालात हुए तो फिर मेरा तो यही ख्याल था कि जाके घर पे बैठें, फिर से बैठेंगे, कुछ होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं होती ऐसी चीज़ें कभी कभी, वो कोई ऐसा मसला नहीं। तो 75 में जॉब्स निकली एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर। उस वक्त डायरेक्टर को ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर कहा जाता था, हम प्रोड्यूसर के नाम से जाने जाते थे। लेकिन उस वक्त सोचा नहीं था कि मैं ये कर पाऊँगी या इतना ज़्यादा। वो टाइम ऐसा था कि मैं उस वक्त मैरिड थी, मेरे 3 बच्चे थे, लेकिन मेरी उस वक्त सेपरेशन थी। तो मुझे ये हो रहा था कि शायद आई हैव टू गो बैक, मुझे जाना है, कुछ होगा तो फिर मैं जॉब करूँ या ना करूँ। तो खैर वो मैंने कहा चलें, उन लोगों ने कहा टेस्ट तो दे दें। मुझे लगता है मेरा इंटरेस्ट बहुत था इन्हीं चीज़ों में, और करना मैं कुछ और चाहती थी। मैं जो CSS करना था, 2 भाई वो करने थे, तो मैं उसकी तैयारी, और यहाँ पे मैंने बिल्कुल ही दूसरा काम जब लिया तो मुझे लगा कि दिस इज़ मी, ये मैं ही हूँ, ये मेरा ही काम है। तो इसलिए मैंने इसमें जितना इंटरेस्ट लेती गई चलती गई। लेकिन मेरे बच्चे क्योंकि छोटे थे, दुरैद वॉज 1 year old या 2 years old, जो अब मेरा CEO है। पहले मैंने रीजनल प्रोग्राम किए, क्योंकि रीजनल प्रोग्रामों को ये था कि हमें स्टूडियो मिलता था सुबह से 5 बजे तक। लेकिन फिर मैं छोटे प्रोग्राम लेती थी ताकि जो शाम तक ख़त्म हो जाए 5 बजे, क्यों हमें शिफ्ट मिलती थी ना। तो मेरे लिए इट वॉज गुड कि हाँ ठीक है, अब बच्चों को जाके पढ़ाऊँगी, मतलब जो भी था घर का। उसके बाद फिर जैसे ही थोड़े बच्चे बड़े हुए तो मैंने उर्दू के प्रोग्राम जो है वो करने शुरू किए, जिसमें आज तक वो मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, बच्चों का प्रोग्राम दैट वाज रंग बरंग। फिर मैंने सिर्फ PTV के शोज़ चीज़ें नहीं किए, कि मैंने बहुत ये जुनून के, और उस वक्त वो जुपिटर था उसके शो किए, नाज़िया हसन के बहुत अच्छे शोज़ गए। जब आपदा परवीन को इंट्रोड्यूस किया तो वो नहीं आ रही थी, मैंने उसके सिंधी के गाने सुने थे, मैं उसे कहती थी नहीं प्लीज़ तुम आ जाओ, बहुत अच्छा। कहती थी नहीं नहीं मुझे नहीं गाना उर्दू में। मैं उस बेचारी को पता ही नहीं होता था कि उर्दू में गाऊंगी तो कितना वो होगा। खैर वो था। फिर टीना सानी, वो फिर उसने मेरे साथ बहुत किए काम। तो ऐसे फिर मैंने जो म्यूज़िक वो ड्रामा शुरू किया, तो फर्स्ट मेरा जो प्ले था, तब मेरा बेटा यूनिवर्सिटी तक, कॉलेज तक पहुंच गया था, तो वो था मारवी। आई थिंक आई वाज लकी और मेहनती बहुत मेहनत बहुत करती थी, इसलिए नहीं करती थी कि मैं कि कोई अच्छा बनाए, बस इसलिए मैं कहती हूँ कि जिस भी चीज़ में जाना, जब मेरा नाम उसमें जुड़ा हुआ है तो वो अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे किया।